चलिए हम लोग जो हमारा क्वेश्चन बच गया था एक्सरसाइज 2.4 से ऐच्छिक से उसकी हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6 x क्यूब माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य क्या क्या दिए हैं 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य दो शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके दो शून्य दे दिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.3 में बताया है। ठीक है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी करना है। देखिए क्या दिया है, इसके दो शून्य दे दिए हैं। ये पहली बात तो चार घात का इक्वेशन है, अगर चार घात का इक्वेशन है इसके शून्य कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे, चार जीरोस होंगे। तो ये बोला है दो जीरो इसमें दे दिया है, दो जीरोस दिए क्या है 2 प्लस माइनस रूट 3। इस प्लस माइनस का मतलब वो कि इसके दो जीरो ये हुए, एक जीरो हुआ 2 प्लस रूट 3, एक जीरो ये हुआ और दूसरा जीरो हुआ 2 माइनस रूट 3। ये प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस लेके इस नंबर को लिखना है और एक बार माइनस करके, तो दो जीरोस ये हो गए इसके और दो जीरोस हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हमने आपको बताया था, तो चलिए उसके सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या करेंगे, अगर ये शून्यक होगा इस बहुपद का, ये शून्यक होगा तो इसका मतलब ये एक्स का मान होगा। अगर ये इसका बहुपद है तो मतलब ये एक्स की वैल्यू दी है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, देखिए इसको लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3, एक ये होगा x का मान और दूसरा क्या लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं इसको x इक्वल फिर 2 माइनस रूट 3, ये तो लिख ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों जीरोस हैं बहुपद के। तो अगर ये देखिए x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 2, और ये प्लस में है ये भी आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा 2 रूट 3, ये हो जाएगा बराबर। अब जीरो से तो बराबर हम इसको जीरो कर सकते हैं, सेम काम यहां भी करेंगे, यही देखिए इसको भी यही करेंगे, तो इसको भी करेंगे क्या x माइनस इधर आएगा तो 2 और ये प्लस में हो जाएगा रूट 3 हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 माइनस रूट 3 और ये। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए अगर ये दोनों हैं तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, ये एक में रहेगा, दूसरे में क्या रहेगा इसको इसमें लिखेंगे तो x माइनस 2 प्लस रूट 3। याद करिए पहला वाला, इससे पहले का जो क्वेश्चन हमने बताया था सेम वही कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो अगर ये, क्योंकि देखिए इस जब ये रहता था तो अगर जीरो से तो हम क्या लिखते थे कि एक बार x माइनस 2 रूट 3 लेने पर, एक बार ये लेने पर, ऐसे ही करते थे ना। तो इसमें अब उल्टा चल रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग बहुपद सॉल्व करते थे सेम उल्टा। तो देखिए इस चीज को हमने ये लिखा, दोनों को जीरोज है तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखिए क्या है कि देखिए थोड़ा सॉल्व करना है इसको, अगर पूरा नंबर लेके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा आपका टफ पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो x माइनस 2 देखिए यहां भी है, x माइनस 2 यहां पे आपके यहां भी है। ठीक है, तो आप x माइनस 2 को कुछ मान लीजिए, मान लीजिए माना यहां पे मानिए माना x माइनस 2 इक्वल कुछ मान लीजिए, आप मान लीजिए इसको y मान लीजिए, x माइनस 2 इक्वल क्या मान लेंगे y। तो देखिए एक जहां जहां पे x माइनस 2 रहेगा वहां पे y लिख देना होगा, अब उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखिए x माइनस 2 की जगह पे y लिखेंगे तो y माइनस रूट 3, एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या होगा x माइनस रूट 2 है तो इसकी जगह पे भी y हो जाएगा तो y प्लस रूट 3, ये हुआ। मतलब ये देखिए एक बार प्लस में y प्लस रूट 3 है और एक बार माइनस में y माइनस रूट 3 है। तो अगर ये ऐसे है तो इसको देखिए, एक आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, एक ब्रैकेट में जब a प्लस बी होता है दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। इसी फॉर्म पर ये है ना, तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पर कर दीजिए। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, देखिए ये दोनों है
तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए का मान कितना है, वाई है, ये हो जाएगा किसका, वाई का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए, बी का मान कितना है, बी का मान है रूट थ्री, ये रूट थ्री का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों का स्क्वायर हो गया तो उसके इसके बाद क्या करेंगे, देखिए y की जगह पे जो y का मान है उसको रख दीजिए, y का मान क्या दिया है, x माइनस, y का मान है x माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस रूट तीन, रूट तीन का होल स्क्वायर। हाई सॉन्ग में आपको रूट तीन का होल स्क्वायर, अगर इसका यहीं पे अगर इसको हटा दें, स्क्वायर इसका हटा दें तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, क्योंकि रूट तीन का जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, रूट तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन आ जाएगा। अब ये देखिए क्या है, ए एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला बना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए आप यहाँ भी एक फार्मूला और याद रखिएगा और याद भी होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे इस इक्वेशन को आप रखिए, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए मतलब ए स्क्वायर की जगह क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे दो मतलब चार हो जाएगा, माइनस टू ए का मतलब क्या है, ए का मतलब एक, गुणांक इसका एक होगा और एक्स मल्टीप्लाई बी का मान कितना है, दो है, ये रख दीजिए। अब इसको और माइनस तीन ये दिया गया है, माइनस तीन को ऐसे आगे सॉल्व लिख दीजिए। अब देखिए जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया, अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये प्लस है, प्लस फोर कर दीजिए, देखिए प्लस फोर और माइनस तीन ये आगे सॉल्व होगा तो प्लस फोर और माइनस तीन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो बड़े में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, तो चार में से तीन जाएगा एक होगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का चिन्ह रहेगा, तो बड़े वाले का चिन्ह क्या प्लस में रहेगा। लेकिन अभी इसको हम ना लिखे, पहले इसको हम लिख देते हैं, टू टू जो फोर और एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा, फोर एक्स और प्लस वन, ये आपको मिल गया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अभी ये मिल गया तो इससे हम क्या करने वाले हैं, इससे हम क्या करेंगे, अब ये जो बहुपद हमको मिला है इस बहुपद को क्या करेंगे, हम भाग देंगे। आपको अच्छे से इस पिछले वाले चैप्टर में हमने इसी इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छा समझाया था कि यहां से भाग क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम भाग उसमें देखें, देखिए अब चलते हैं भाग करके देखते हैं, इसका स्टेप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जो बहुपद दिया है उस बहुपद को लिखिए, बहुपद हमको दिया है एक्स पावर फोर, एक्स पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स, वन थर्टी एट एक्स, ठीक है, माइनस थर्टी फाइव। इससे भाग देना है, भाग किससे देना है, देखिए भाग हमको देना है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा ये लाइन हम खींच दे रहे हैं, ठीक है। अब इधर हमको सॉल्व करना है, भाग दे रहे हैं हम किससे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स और प्लस वन से, प्लस वन से भाग देगा, ठीक है। चलिए भाग दीजिए, भाग करने का स्टेप हमने क्या बताया है कि यहाँ पे जो नंबर रहता है इस नंबर से भाग दे देते हैं उसको, देखिए x पावर 4 है, x पावर 4 से x स्क्वायर से भाग देंगे तो दो स्क्वायर तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना x स्क्वायर, मतलब इस x स्क्वायर से इसे पूरे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, ये स्टेप होता है। तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई पहले x स्क्वायर में करेंगे तो x पावर 4 आएगा, x पावर 4 को ऐसे लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और फोर का मल्टीप्लाई फोर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स पावर थ्री, यहाँ दो पावर है और यहाँ एक पावर है, दोनों जुड़ जाएगा तो एक्स पावर तीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 रहेगा, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हम हटा दें। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, लाइन खींच दिया, साइन नीचे नीचे जितने भी साइन है सभी को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे, नीचे के साइन को बदल दीजिए, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस है तो कट जाएगा, काट दीजिए, कट गया। यहाँ पे देखिए आप ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, मतलब जब अलग साइन रहता तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो बड़ा कौन है, बड़ा छह है, छह में से चार जाएगा दो आएगा, टू एक्स पावर थ्री हो गया। लेकिन चिन्ह किसका रखेंगे, चिन्ह हमेशा बड़े वाले के चिन्ह रखेंगे, तो बड़ा इसमें क्या है, बड़ा इसमें माइनस, माइनस है तो माइनस कर दिया हमने,
ठीक है, और एक्स स्क्वायर से हम यहाँ एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे ना, ये एक्स स्क्वायर हमने लिखा क्योंकि एक्स स्क्वायर से ही तो हमने मल्टीप्लाई सब में किया है, तो भागफल तो लिखेंगे, भागफल ऊपर हमने लिख दिया कि उधर जगह बच नहीं रही थी, तो ये हो गया माइनस टू एक्स क्यूब, और ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, माइनस 27 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी जो बच रहा है उसको उतार दीजिए ऐसे, प्लस 138 एक्स माइनस 35, इसको ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें कि माइनस टू एक्स पावर 3 आ जाए, तो वही करेंगे, किससे करें, पहले बात तो माइनस से कर देंगे, माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस टू एक्स से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, दो को मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो दो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स पावर 3 आ जाएगा, तो माइनस टू एक्स सब इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो यही आएगा माइनस टू एक्स पावर 3 यही रहेगा, माइनस वहां है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू जा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर वहां माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 1 को मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स में करेंगे तो माइनस टू एक्स ही होगा, ये माइनस टू एक्स हो गया। सेम वही काम, नीचे का साइन बदल दीजिए, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इन सबको काट दीजिए, ये कट जाएगा। अब ये देखिए दोनों साइन सेम दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों साइन जब सेम है तो 27 और 8 को जोड़ेंगे आप, 27 और 8 कितना होता है 35 होता है, तो आप इसको लिखेंगे 35 एक्स स्क्वायर, और चिन्ह किसका रखेंगे, दोनों का साइन सेम है तो माइनस रख दीजिए, माइनस 35 एक्स स्क्वायर, और ये देखिए इसको जोड़ दीजिए, 138 और 2 कितना हो जाएगा 140, 140 एक्स माइनस 35। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये माइनस आ जाए, तो पहली बात तुमको माइनस लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे 35 से मल्टीप्लाई करिए 35। अब देखिए माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 35 एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा, तो देखिए यहां भी माइनस है, इस माइनस 35 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस से माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस और 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे माइनस है और यहां पे क्या है माइनस, माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो 35 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 140 आएगा, ठीक है, तो 140 हो गया 140 एक्स, और चिन्ह किसका रखेंगे, देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए माइनस में है और ये किसमें है प्लस में, तो माइनस और प्लस कितना होगा माइनस होगा और ये 35 हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए। अब क्या करेंगे, नीचे के सारे साइन बदल देंगे, यह माइनस है तो ये प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब क्या करिए, दोनों को काट, सबको काट दीजिए क्योंकि बराबर में चिन्ह अलग अलग रहता है तो क्या हो जाते हैं कट जाते हैं, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर इसका कितना आ गया, जीरो आ गया। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 इसका गुणनखंड होगा। अगर गुणनखंड होगा अब इसका क्या करेंगे, आप सीधे उस क्वेश्चन वही चीज स्टेप याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन का, और ये जानिए ये क्वेश्चन बोर्ड 2018 में आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिएगा पहले क्या करना है, ये दोनों हैं तो ये x के मान रहेंगे, x मान को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद हम ये लिखेंगे सॉल्व करेंगे, जो आएगा उससे भाग दे देंगे, बहुपद को भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करना है वहां से, क्योंकि जब हम कोई द्विघात बहुपद सॉल्व करते हैं तो उसके दो मान निकलते हैं, दो मान निकलते हैं और वो क्या होते हैं जीरोज होते हैं, ठीक है, शून्य होते कि नहीं, वही शून्य की बात हम कर रहे हैं। तो अब लिखेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 का गुणनखंड करने पर, का गुणनखंड गुणनखंड करने पर, ठीक है, अब इसका गुणनखंड करते हैं, चलिए देखिए गुणनखंड कैसे इसका करेंगे। देखिए ये क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 है, ठीक है, अब इसका गुणनखंड हमको करना है, तो गुणनखंड इसका कैसे करेंगे, देखिए
आपको हमने गुणनखंड के लिए बताया था कि यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, कोफिशियंट होगा, उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अचर में करेंगे, तो यहाँ पे कोफिशियंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो 35 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? -35, और प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर -35 आए और प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए? तो सोचिए, 7 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करें, 7 5 35 होगा, 7 5 35 होता है, और अगर 7 में से 5 को माइनस करें तो 2 मिल जाएगा। बस यही करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखिए 7x प्लस 5x माइनस 35। अब पूछेंगे कि सर ये बताइए, हम 5x को तो भी माइनस में कर सकते थे? नहीं, अगर इसको माइनस में आप कर देंगे तब आंसर आपका +2 आ जाएगा, लेकिन हमको +2 नहीं लाना है, लाना क्या है? -2। तो अब इसको देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन कर लीजिए, यहां क्या बचेगा? x माइनस, और x कॉमन है तो यहां 7 बचेगा, और यहां देखिए दोनों में क्या कॉमन है? +5 कॉमन कर लीजिए, +5 कॉमन करेंगे तो यहां भी x माइनस क्या आ जाएगा? 35। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो अगर दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है कि नहीं, ये सॉरी यहां पे 7 आएगा, 7 5 30, ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है तो इनको एक साथ लिख लीजिए, x माइनस 7 हो गया। अब इन दोनों को साथ में लिख लीजिए, तो इनका साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5। अब ये बताइए कि अगर ये जीरोज है तो ये जीरो के बराबर होगा, अगर ये जीरोज ही तो निकाल रहे हैं, ये इसके जीरोज है तो ये जीरो के बराबर होगा, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 7 बराबर 0 लेने पर तो x का मान क्या होगा? ये माइनस में उस तरफ जाता है तो प्लस में हो जाता है, x बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक जीरो आपको यहां मिल गया, x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 हो गया। अब देखिए सेम यही काम यहां करेंगे, तो देखिए x प्लस 5 बराबर 0 लेने पर, तो x प्लस 5 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो गया। तो इसके दो शून्य कौन कौन से मिल गए? x बराबर 7 और x बराबर -5। एग्जाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना, लास्ट में क्या लिख देना? लास्ट में लिख देना है कि बहुपद, इसके जो ये पूरा बहुपद लिखना है, इसके 4 शून्य, 2 तो दे दिया है ये, तथा एक 7 और -5 होंगे, इसके 4 शून्य, यही 4 शून्य होंगे। ठीक है, ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो, तो k और a का मान क्या करना? क्या है कि इसमें दो बहुपद दिया गया है, एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है। क्या बोला है कि इस बहुपद से इसको भाग दे रहा है और शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है x प्लस a, x प्लस a आ रहा है। तो वो बोले हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि k और a का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, इससे इसको आप भाग दीजिए, पहले शेषफल निकालिए। ठीक है, तो पहले इसको इससे भाग दीजिए। ठीक है, चलिए इससे इसको भाग देते हैं, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k है, इससे भाग देना है x पावर 4 माइनस 6x पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक, इससे भाग देना है, तो चलिए भाग दीजिए। भाग करने के लिए हम क्या बोले हैं? x पावर 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 4 मिल जाए? तो अगर x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 मिल जाएगा, तो x स्क्वायर सिस्टम में मल्टीप्लाई करिए तो आएगा x पावर 4, फिर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होगा, इसको करेंगे तो 2x पावर 3 हो गया। ठीक है, फिर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, k में करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस होगा। ठीक है, बहुपद k है x, ठीक है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई के में करेंगे तो कितना होगा? के एक्स स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद एक बार बहुपद मिला लेते हैं हम लोग, शायद एक्स पावर 4 है माइनस 6x क्यूब माइनस 25x प्लस 10। बहुपद हम लोगों ने गलत लिख लिया है क्या? ठीक, एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, चलिए ये लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे? नीचे के साइन बदल देंगे, नीचे के साइन बदलेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया।
ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब ये तो दोनों कट जाएगा, काट दीजिए इसको, इसको देखिए ये क्यूब में, क्यूब वाला साथ में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये सिक्स है, सिक्स में से दो निकलेगा तो कितना आएगा, माइनस फोर एक्स पावर थ्री आ गया, माइनस फोर एक्स पावर थ्री आ गया। अब यहां से देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर के ही टर्म है, एक्स स्क्वायर के टर्म है, लेकिन इसमें के है तो जुड़ेगा घटेगा नहीं, तो क्या करिए दोनों को अलग अलग करके लिखिए। अब इसमें कॉमन भी लेंगे लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे, देखिए अभी आगे कॉमन करेंगे हम, ये लिखेंगे 16x स्क्वायर लिखेंगे और ये माइनस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए माइनस 25x करेंगे, माइनस 25x प्लस 10 ये आपने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x क्यूब मिले, तो अगर माइनस 4x से हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस 4x पावर 3। फिर माइनस 4x से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस ये भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया और x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमने कर दिया, कर दिए। अब उसके बाद देखिए ये टर्म हो गया, अब ये देखिए प्लस में है और वो माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4x का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो 4xk होगा, 4kx कुछ लिख लीजिए, 4kx लिख दीजिए, तो इस टर्म के साथ लिखा जाएगा, तो लिखेंगे क्या, माइनस 4xk, 4xk ये आपको बच गया, ठीक है। 25 ये माइनस में है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, नीचे का साइन बदल दीजिए, नीचे का साइन बदलिए, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये टर्म हो गया। फिर माइनस 4x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 टू जा 8x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस और प्लस माइनस हो गया और 4 का मल्टी 4kx हो जाएगा, तो इसके नीचे तो स्क्वायर है, इसके नीचे लिखा जाएगा, तो लिख दीजिए। अब इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें देखिए ये माइनस होगा कितना होगा 8x स्क्वायर, इसको बाहर थोड़ा सा समझ लीजिए, ये होगा कितना 8x स्क्वायर, देखिए 16 से 8 माइनस होगा तो 8x स्क्वायर होगा। अब उसके बाद देखिए माइनस के एक्स यहां भी दिया है, माइनस के एक्स ये चीज है, माइनस के एक्स वहां पे है, तो यहां पे देखिए अगर हम x को कॉमन कर लें, x कॉमन, अब यहां से देखिए x कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो यहां क्या बच रहा है, यहां बच रहा है 8x, 8x माइनस के ये बच रहा है ना, तो यहां से क्या करेंगे, अच्छा ये भी स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कॉमन होगा, देखिए ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में, तो इन दोनों को अगर यहां पे हम देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 16 से 8 माइनस होगा तो माइनस 8, देखिए यहां पे लिख देते हैं पहले, माइनस 8x स्क्वायर होगा और साथ में ये भी लिखेंगे माइनस kx स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज को देखिए यहां पर हमने लिखा है माइनस 8x स्क्वायर और माइनस kx स्क्वायर। अब देखिए यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर कॉमन कर लिया, जब दोनों स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, केवल 8 प्लस k बचेगा, तो हम इसको ना लिख के ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसी को लिखना है, तो इसी को लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 8 माइनस के, ठीक है, इसको लिख दिया। अब यहां तक का हो गया है, अब ये बच रहे हैं, इसको देखिए ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये माइनस 25x हो जाएगा, 25x हो जाएगा और यहां से देखिए माइनस 4x के हो गया, ठीक है, और ये प्लस 10 है, प्लस 10 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब उसके बाद देखिए इसको भी हटा देते हैं, अब देखिए अब इसमें एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमको एक्स स्क्वायर 8 माइनस के मिल जाए, तो देखो एक्स स्क्वायर तो है ही, केवल गुणांक से मल्टीप्लाई कर दे, ये गुणांक इसका क्या है 8 माइनस के, तो अगर इसमें केवल 8 माइनस अब के से गुणा कर दें 8 माइनस के, ठीक है, 8 माइनस के से अगर इसमें गुणा कर दें हम तो ये टर्म मिल जाएगा, 8 माइनस के से इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, तो ये 8 माइनस के हो ही जाएगा 8 माइनस के, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस 2x का मल्टीप्लाई
अब यहाँ पे चिन्ह किसका लगाएंगे, प्लस का, ठीक है, ये प्लस रहेगा। अब देखिए इस माइनस टू एक्स का मल्टीप्लाई भी एट माइनस के में होगा, तो बाहर कर लीजिए माइनस टू एक्स का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, एट माइनस के में, एट माइनस के में करिए। तो देखिए प्लस और, देखिए प्लस और माइनस माइनस होगा, एट टू जो सिक्सटीन एक्स, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू के एक्स ये टर्म होगा, ये माइनस और प्लस माइनस, एट टू जो सिक्सटीन एक्स, और ये भी माइनस 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 प्लस होगा, टू के एक्स हो जाएगा। तो मतलब अगर इसमें मल्टीप्लाई हम उसका करते हैं x माइनस के का, तो आता क्या है माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस टू के एक्स। तो बस इसी टर्म को यहाँ पे लिखना है। अब देखिए x वाला ढूंढिए तो माइनस सिक्सटीन एक्स, तो इसी के नीचे लिखा जाएगा माइनस सिक्सटीन एक्स, इसके नीचे लिख दिए हम। अब ये देखिए क्या बच रहा है, प्लस टू के एक्स, तो टू के एक्स इसी के नीचे होगा, प्लस टू के एक्स लिख दिया, प्लस टू के एक्स हो गया। अब देखिए एट माइनस के का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, के में भी करेंगे, करेंगे कि नहीं, तो k का मल्टीप्लाई अगर उसमें करेंगे तो आप उसको लिख दीजिए 8 माइनस के है, 8 माइनस k का मल्टीप्लाई अगर k में करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8k होगा, ठीक है, ये प्लस में माइनस, प्लस माइनस माइनस k का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो k स्क्वायर मिलेगा। तो मतलब 8 माइनस k का मल्टीप्लाई अगर k में करेंगे तो क्या मिलेगा, 8k माइनस k स्क्वायर, तो उसको लिख दीजिए 8k माइनस, अब इसके बाद तो कुछ बच नहीं रहा, 8k माइनस k स्क्वायर। यहां पे जरा ये चिन्ह के ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब इस पे देखिए क्या करेंगे, अब नीचे का साइन बदल देंगे, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ये देखिए प्लस में है तो इसको माइनस में कर दीजिए, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 25 है और ये 16 है, माइनस होगा तो माइनस में क्या जाएगा, माइनस 9x होगा, ये माइनस 9x होगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, तो चार में से दो माइनस होगा, दो होगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का, तो टू के एक्स कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको तो सेम ऐसे ही लिख देना है, देखिए प्लस ये प्लस माइनस वाले को माइनस के स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा स्क्वायर है तो इसको पहले लिख देते हैं, फिर माइनस एट के लिखते हैं, माइनस एट के और प्लस के, ठीक है, ये आपका शेषफल आ गया। यहाँ पे देखिए ये आपका नया शेषफल, आपको इस क्वेश्चन का शेषफल मिला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का शेषफल मिला है, अब आपको ध्यान में क्या रखना है बेटा, ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन का भी शेषफल क्या दिया है, x प्लस a दिया है, और आपको आपने जो शेषफल निकाला वो ये शेषफल निकाला है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करिएगा दोनों शेषफलों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप ऐसे लिखिए तुलना, यहाँ पे तुलना लिखिए, और दोनों शेषफल है, एक शेषफल क्या दिया है आपका, x प्लस a दिया है, x प्लस ए लिखिए, बराबर कर दीजिए, ये पूरा शेषफल लिख दीजिए, क्या है माइनस 9x प्लस 2kx, 2kx है, और माइनस k स्क्वायर, माइनस k स्क्वायर माइनस 8k, माइनस 8k है, और प्लस 10 है, प्लस 10 कर दिया हमने, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इस में देखिए, इसमें यहाँ भी x है, यहाँ भी x, x कॉमन कर लीजिए, जब x कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस 9 और प्लस k, ये बचेगा 2 भी बचेगा 2k, ठीक है, माइनस 9 प्लस 2k बचेगा, और बाहर क्या, और क्या बचेगा, k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 10, ठीक है। तो ये x प्लस a हो जाएगा, x प्लस a हुआ। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए दोनों x, x के गुणांक x से तुलना करना पर, और ये अचर वाला इससे तुलना करने पर, तो अब इसमें लिखेंगे क्या, गुणांकों की तुलना करने पर, जब गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और इस x का गुणांक क्या है, माइनस 9 प्लस 2k, तो जब गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, जब गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 बराबर यहाँ पे माइनस 9 और प्लस 2k हो गया, माइनस 9 और 2k, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 बराबर क्या आ जाएगा, 2k। तो k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 जब उस तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड कर दीजिए, तो k का मान कितना आ जाएगा, 10, 10 बाई 2 काटेंगे तो 5 आएगा, तो k का मान कितना आ गया, 5 आएगा, ठीक है। k
के का मान निकल गया, के तथा ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए का मान निकालने के लिए, देखिए ए का मान निकालिए। तो अब इसकी तुलना करेंगे ए के साथ, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए बराबर, तो लिखेंगे ए बराबर यहां पे क्या है, माइनस के स्क्वायर माइनस एट के और प्लस 10। रख दीजिए ए, तो के की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो माइनस में है के स्क्वायर, तो ये 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 हो गया, और माइनस 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 से कितना होता है 40 होता है, यहां पे हो जाएगा कितना 40 और प्लस 10। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर ए का मान निकाल लेंगे, तो देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, जुड़ जाएगा तो 25 35 हो जाएगा, और 35 में से 40 निकाल देंगे तो कितना आएगा, माइनस 5। तो मतलब ए का मान आया माइनस 5 और के का मान आया 5। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।